बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ इरफान्स बाइक इज 0.7 मीटर द व्हील कंप्लीट्स 1800 रेवोल्यूशंस व्हेन ही रीच होम फ्रॉम द ऑफिस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इरफान्स हाउस एंड ऑफिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में इरफान की बाइक के व्हील का डायमीटर गिवन है 0.7 मीटर। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हील कंप्लीट करती है 1800 रेवोल्यूशन जब वो घर से ऑफिस पहुंचता है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इरफान के घर से ऑफिस तक का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे, डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल 0.7 मीटर, रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय व्हील स्टेटमेंट में गिवन है 1800। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। अब यहाँ पे अगर डायामीटर की वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील सी का फार्मूला यूज़ करेंगे डी पाई। डी की वैल्यू है 0.7 मीटर, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। यहाँ पे राइट करेंगे 0.7 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 के साथ। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ करेंगे 0.7 मीटर, पॉइंट का 1 राइट करेंगे, राइट साइड पर 1 डिजिट है 0 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 22/7। विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे 7 मीटर डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 22/7। 7 को 7 के साथ ऑफ करेंगे, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 1 द 2, रिमेनिंग वैल्यू इज 11/5 मीटर इज इक्वल, 11 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2.2 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल 2.2 मीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस, तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 2.2 मीटर को, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के साथ, स्टेटमेंट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताए हुए हैं 1800। यहाँ पे राइट करेंगे 2.2 मीटर, ये अभी हमने सर्कमफ्रेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 1800 को मल्टीप्लाई किया है 2.2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3960.0। यहाँ पे राइट करेंगे 3960 मीटर, पॉइंट के बाद जीरो राइट नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आंसर है डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस 3960 मीटर, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ अ ट्रक व्हील इज 0.55 मीटर, कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस द ट्रक विल कवर इन 1500 रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस यहाँ पे गिवन है ट्रक के व्हील का 0.55 मीटर, यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि व्हील 1500 रेवोल्यूशन में कितना फासला तय करेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे, रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल 0.55 मीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है 1500, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक। अब यहाँ पे हमने फासला फाइंड आउट करना है कि ट्रक का व्हील जो है इतने रेवोल्यूशन में कितना फासला तय करेगा। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल सी इज इक्वल 2πr। अगर स्टेटमेंट में रेडियस गिवन होगा तो हमने 2πr ये फार्मूला यूज करना है, अगर डायामीटर गिवन होगा तो डी पाई का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस गिवन है, इस वजह से हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज करेंगे 2πr। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू के साथ, पाई की वैल्यू है 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस गिवन है 0.55 मीटर। अब यहाँ पे 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 0.55 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 12.10। तो यहाँ पे 12.1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 24.2। यहाँ पे राइट करेंगे 24.2 मीटर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे 24.2 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3.4571 और रिमाइंडर है 1। सी इज इक्वल है, यहाँ पे राइट करेंगे 3.4571 मीटर, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 3.4571 मीटर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे अभी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन स्टेटमेंट में गिवन है 1500, यहाँ पे राइट करेंगे 3.4571 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 3.4571 को मल्टीप्लाई किया है 1500 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 5185.6500, यहाँ पे राइट करेंगे 5185.65, यहाँ पे राइट करेंगे 5185.65 मीटर, तो यहाँ पे वैल्यू को राउंड ऑफ करके राइट करेंगे 5185. अब यहाँ पे वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे, 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद 7. डिस्टेंस इज इक्वल 5185.7 मीटर, इट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.75 सेंटीमीटर, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द पॉइंटर ऑफ मिनट्स हैंड विल मूव टू कवर 165 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बताई हुई है लेंथ, लेंथ मीन रेडियस बताया हुआ है मिनट हैंड का एक वॉच की 1.75 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है आवर्स में, घंटों में, कि वही जो मिनट्स हैंड है वो 165 कवर करेगी कितने घंटों में. तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड रेडियस इज इक्वल 1.75 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो रेडियस कहलाती है. नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, डिस्टेंस गिवन है 165 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे अगर रेडियस गिवन होगा तो हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉच का फार्मूला राइट करना है 2πr. इस बात को आपने माइंड में रखना है कि अगर रेडियस गिवन होगा तो हमने 2πr ये फार्मूला राइट करना है, अगर डायामीटर गिवन होगा तो हमने dπ का फार्मूला राइट करना है. तो यहाँ पे रेडियस गिवन है यानी कि लेंथ गिवन है, तो हम राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉच इज इक्वल 2πr, यहाँ पे राइट करेंगे c. अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस गिवन है 1.75 सेंटीमीटर. 1.75 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 1.75 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 38.50. उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, यहाँ पे वैल्यू आई है 77.00, पॉइंट के बाद जीरो राइट नहीं किए जाते. यहाँ पे राइट करेंगे 77 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7. अब यहाँ पे 77 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 7 7 1 7 7 1 7, यहाँ पे राइट करेंगे C इज इक्वल 11 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉच 11 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे राइट करेंगे आवर्स मूव बाय मिनट्स हैंड, अब यहाँ पे ये हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल है डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस. अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया 11 सेंटीमीटर, डिस्टेंस गिवन है 165 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट करेंगे डिस्टेंस है 165 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, अभी फाइंड आउट किया 11 सेंटीमीटर, 165 को डिवाइड करेंगे 11 पे, यहाँ पे राइट करेंगे 15 आवर्स, आवर्स मूव बाय मिनट्स हैंड इज इक्वल 15 आवर्स, इट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आवर पॉइंटर ऑफ हैंड इन 24 आवर्स. अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है कि जो लेंथ है, रेडियस है आवर हैंड की, वो है 1.2 सेंटीमीटर. यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आवर्स हैंड 24 आवर्स में कितना फासला तय करेगी. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे, लेंथ ऑफ आवर हैंड यानी कि रेडियस इज इक्वल है 1.2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ आवर्स गिवन है स्टेटमेंट में, यहाँ पे राइट करेंगे 24 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इज इक्वल, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे रेडियस गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉच का फार्मूला राइट करेंगे 2πr. अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू के साथ,
22/7 मल्टीप्लाई आर है, रेडियस 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 1.2 को मल्टीप्लाई किया है पहले 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 26.4। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 52.8। यहाँ पे राइट करेंगे C इज इक्वल 52.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 52.8 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 7.54। अब यहाँ पे राइट करेंगे C इज इक्वल 7.54 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉच इज इक्वल 7.54 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया। डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 7.54 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के साथ। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस अभी फाइंड आउट किया है 7.54 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब यहाँ पे हिंट गिवन है द आवर हैंड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशंस इन 12 आवर्स, तो इसका मतलब है कि वो एक रेवोल्यूशन 12 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, तो इट्स मीन 24 आवर्स में 2 रेवोल्यूशंस होंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 2, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7.54 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 7.54 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 15.08। यहाँ पे राइट करेंगे 15.08 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इज इक्वल 15.08 सेंटीमीटर, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 24.5 मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹175 पर मीटर। रेडियस गिवन है 24.5 मीटर, कास्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है गार्डन की एट द रेट ऑफ ₹175 पर मीटर पे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल 24.5 मीटर, कास्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट ₹175 पर मीटर फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले रेडियस गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन का फार्मूला राइट करेंगे 2πr। यहाँ पर राइट करेंगे C इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है, आर की वैल्यू है 24.5 मीटर। 24.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 24.5 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 539.0। उसके बाद मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1078.0। पॉइंट के बाद जीरो राइट नहीं किया जाता। यहाँ पे राइट करेंगे C इज इक्वल 1078 मीटर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 1078 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 154। यहाँ पे राइट करेंगे C इज इक्वल 154 मीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल 154 मीटर। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कास्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट ₹175 पर मीटर। सर्कमफ्रेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 154 मल्टीप्लाई करेंगे 175 के साथ, ताकि कास्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 154 को मल्टीप्लाई किया है 175 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 26,950। यहाँ पे राइट करेंगे ₹26,950, कास्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट ₹175 पर मीटर इज इक्वल ₹26,950, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रूम इज 4.2 मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर, कास्ट ऑफ फ्लोरिंग हमने फाइंड आउट करनी है 150
पर मीटर स्क्वायर रेट पे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। डायामीटर ऑफ सर्कुलर रूम इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। कास्ट ऑफ फ्लोरिंग एट रुपीज 150 पर मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। डायामीटर गिवन है, रेडियस खुद फाइंड आउट करेंगे। रेडियस इज इक्वल, फार्मूला राइट करेंगे डी बाय टू। डायामीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे टू पे, टू वन द टू, टू टू द 4.21 द टू इज इक्वल। अब रेडियस की वैल्यू है 2.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर रूम फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर रूम इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल है पाई की वैल्यू राइट करेंगे 22/7। रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया 2.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर स्क्वायर राइट करेंगे। 2.1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 सेंटीमीटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। 2.1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 सेंटीमीटर के साथ, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 2.1 को मल्टीप्लाई किया है 2.1 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 4.41। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 97.02। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल 97.02 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 13.86। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया इज इक्वल 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ फ्लोरिंग एट रुपीज 150 पर मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एरिया की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 13.86 मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 13.86 को मल्टीप्लाई किया है 150 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2079.00। पॉइंट के बाद जीरो राइट नहीं किए जाते। यहाँ पे राइट करेंगे 2079। कास्ट ऑफ फ्लोरिंग इज इक्वल रुपीज 2079, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेजेस ऑफ ग्रास कटिंग ऑफ अ सर्कुलर पार्क एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर, वेयर द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर। यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करनी है वेजेस ऑफ ग्रास कटिंग की। सर्कुलर पार्क की रेट गिवन है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, रेडियस गिवन है पार्क का 105 मीटर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज इक्वल 105 मीटर। वेजेस ऑफ ग्रास कटिंग ऑफ पार्क एट रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया इज इक्वल है पाई की वैल्यू है 22/7, मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर के साथ। आर की वैल्यू गिवन है 105 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 105 मीटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 105 को मल्टीप्लाई किया है 105 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 11025। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 242550। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया इज इक्वल 242550 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 242550 को 7 पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 34650। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया इज इक्वल 34650 मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे राइट करेंगे वेजेस ऑफ ग्रास कटिंग एट रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये एरिया की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 34650 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ वर्किंग में मैंने 34650 को मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 173250।
यहाँ पे राइट करेंगे 1,73,250 रुपीज। एरीज ऑफ ग्रास कटिंग एट रुपीज 5 पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल रुपीज 1,73,250। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पूल इज 10.5 मीटर। कैलकुलेट द कास्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स यूज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पूल एट द रेट ऑफ रुपीज 180 पर मीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस गिवन है 10.5 मीटर। अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कास्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो कि पूल के फ्लोर पे इस्तेमाल होंगी एट द रेट ऑफ 180 पर मीटर स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पूल इज इक्वल 10.5 मीटर। कास्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स एट रुपीज 180 पर मीटर स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर पूल इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे राइट करेंगे ए एरिया इज इक्वल 22/7। पाई की वैल्यू राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वेयर के साथ। आर की वैल्यू है 10.5 मीटर मल्टीप्लाई 10.5 मीटर इनटू ब्रैकेट। यहाँ पे हमने आर स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। 10.5 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 मीटर के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 10.5 को मल्टीप्लाई किया है 10.5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 110.25। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2425.50। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया इज इक्वल 2425.50 मीटर स्क्वेयर। डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 2425.50 को डिवाइड किया है 7 पे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 346.50। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल 346.50 मीटर स्क्वेयर तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे राइट करेंगे कास्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स एट रुपीज 180 पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कास्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स फाइंड आउट करनी है। एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 346.50 मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 346.5 को मल्टीप्लाई किया है 180 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 62,370.0। यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज 62,370। कास्ट ऑफ रोलिंग टाइल्स इज इक्वल रुपीज 62,370। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 21 मीटर। डायमीटर गिवन है 21 मीटर। कैलकुलेट करनी है द कास्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ द प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ रुपीज 230 पर मीटर स्क्वेयर एंड आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ रुपीज 75 पर मीटर। अब यहाँ पे दो कास्ट फाइंड आउट करनी है। एक कास्ट है रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ द प्लेग्राउंड और दूसरी कास्ट फाइंड आउट करनी है फेंसिंग द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल 21 मीटर। डायमीटर गिवन हो तो रेडियस खुद फाइंड आउट करना है। रेडियस इज इक्वल डी बाई टू। यहाँ पे राइट करेंगे डायमीटर है 21 मीटर डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 21 को 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 21 को 2 पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 10.5। यहाँ पे राइट करेंगे 10.5 मीटर। रेडियस इज इक्वल 10.5 मीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला राइट करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर। एरिया इज इक्वल पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया है 10.5 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 मीटर के साथ। 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। यहाँ पे मैंने 10.5 को मल्टीप्लाई किया है 10.5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 110.25। उसके बाद मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2425.50। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया इज इक्वल 2425.50 मीटर स्क्वेयर।
डिवाइड करेंगे 7 पे। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में मैंने ये वैल्यू डिवाइड की है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 346.50। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया इज इक्वल है 346.50 मीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कास्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर एट ₹230 पर मीटर स्क्वायर। तो अभी कास्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कास्ट ऑफ रिपेयरिंग फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे कास्ट फाइंड आउट करेंगे रिपेयरिंग की, इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 346.50 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कास्ट के साथ 230 के साथ। अब यहाँ पे मैंने 346.5 को पॉइंट के बाद जो जीरो है यहाँ पे राइट नहीं करते, तो यहाँ पे राइट करेंगे 346.5 मल्टीप्लाई करेंगे 230 के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 79,695.0, पॉइंट के बाद जीरो राइट नहीं करते। यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ 79,695। कास्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर इज इक्वल रुपीज़ 79,695। तो यहाँ पे कास्ट ऑफ रिपेयरिंग फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे कास्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल 2πr, सी इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई। रेडियस हमने फाइंड आउट किया था सबसे पहले 10.5 मीटर, 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 10.5 को मल्टीप्लाई किया है 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 231.0, यहाँ पे वैल्यू आई है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 462.0। यहाँ पे राइट करेंगे सी इज इक्वल 462 मीटर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में मैंने ये वैल्यू डिवाइड की है, 462 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 66। यहाँ पे राइट करेंगे सी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल है 66 मीटर, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे कास्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करेंगे एट रुपीज़ 75 पर मीटर। अब यहाँ पे 66 सर्कमफ्रेंस है, 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट को। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 66 को मल्टीप्लाई किया है 75 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 4950। यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ 4950। कास्ट ऑफ फेंसिंग एट रुपीज़ 75 पर मीटर इज इक्वल रुपीज़ 4950, इट इज़ आंसर। पहले कास्ट ऑफ रिपेयरिंग भी फाइंड आउट कर ली, अब यहाँ पे कास्ट ऑफ फेंसिंग भी फाइंड आउट कर ली।